आज मैं अपनी रसोई में बनाने वाली हूँ सूखी मसालेदार गोभी, तो मैं बस उसी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए झटपट रेसिपी देख लेते। और मसालेदार गोभी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए बस यही चार पांच इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम मसालेदार गोभी में यूज करने वाले हैं। और देखिए कुकिंग के लिए मैं ज़्यादातर मिट्टी के ही बर्तनों का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो इनकी खुशबू है और आपको इनके जो फ़ायदे हैं वो तो आपसे कोई छुपे नहीं है, बस इसीलिए मैं इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल। ऑयल मैंने लिया है ग्राउंडनट ऑयल, और ऑयल इसमें थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे। तेल में ये अच्छे से भुन जाएगी तभी इसका पूरा स्वाद निकल के आएगा, इसलिए इसमें चाहिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। जब तक कि तेल गर्म होगा मैंने दूसरा पैन यहाँ पर चढ़ा दिया है, तो इसमें मैं पहले ये जो गोभी के लिए जो भी हमें मसाला यूज़ होगा हम वो बनाएंगे। तो मसाले के लिए देखिए लगभग 4 बड़े चम्मच मैंने लिया है सूखा साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है ये जीरा, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और ये धनिया जीरा है उसे हम अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट करेंगे। हम इसमें पिसा हुआ भी डाल सकते हैं, बट पिसे हुए से वो स्वाद नहीं आएगा। जो हम अब जो इंस्टेंटली तैयार करके जो मसाला डालेंगे उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, जो पहले से रेडी होता है धनिया पाउडर जीरा पाउडर उसमें वो स्वाद नहीं आता है। आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, रोस्ट होता है। मीनवाइल हम चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल आ चुका है कि नहीं, तेल अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है। और अब ये जो धनिया और जीरा हमने भुना है इसे हम जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसकी हम थोड़ी सी भाप निकलने देते हैं, हम इसमें डाल देंगे। अब हमारा तेल आ चुका है तो तेल में हमें जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, खाली हम इसमें अपनी ये जो गोभी है मैंने गर्म पानी में एक बार इसे बॉईल करके रखा हुआ है, खाली जस्ट बॉईल, क्योंकि जो बारिश में फ्लावर आता है वो आपको पता है गंदा होता है, तो मैंने इसीलिए इसे गर्म पानी में बॉईल कर लिया था एक बारी में एक बॉईल जस्ट। और अब इसमें इसको हम अच्छे से गोभी को एकदम शेलो फ्राई करेंगे इस तेल में अच्छे से, डीप फ्राई नहीं करना है। आप चाहें तो गोभी को बॉईल करके भी पूरा अच्छे से और ये सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा जो भी फ्लावर का टेस्ट है गोभी का वो पूरा चला जाता है बॉईल करने से, तो वो मिठास नहीं आती सब्जी में जो अब आएगी, इसीलिए मैं बॉईल नहीं करती हूँ। और ये जो डायरेक्ट पकेगी तो बहुत अच्छे से रोस्ट होगी और बहुत अच्छे से इसकी खुशबू आएगी, खाने में बहुत मज़ा आएगा। मैं इसे ढक दूँगी, ढकना हमें इसलिए है क्योंकि ढकने के बाद में क्या होगा कि जो भी ये लिड का मॉइस्चर भी अंदर जाएगा और इस मॉइस्चर से और ऑयल की हीट से ये बहुत ही अच्छे से और जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और रोस्ट हो जाएगी। मैं ये धनिया और जीरा ग्राइंड कर लेती हूँ और अब थोड़ी देर बाद में हम इसे थोड़ा सा पलट देंगे। देखिए गोभी रोस्ट होना अच्छे से पकना शुरू भी हो गई है, ब्राउन ब्राउन होने लगी, और हम फिर से इसे ढक देंगे। और जब भी गोभी को आप चेक करें कि वो सॉफ्ट हुई है कि नहीं, तो आप हमेशा बड़े वाले डंठल पे स्पून लगा के देखें। तो देखिए ये टूट गया है, ये देखिए ये एकदम मोटा सा है, इस पर हम स्पून लगा के देखते हैं तो देखिए ये भी एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है गोभी अभी, लेकिन इसे फिर भी हम 2 मिनट्स के लिए और छोड़ेंगे ताकि ये थोड़ी सी रेड रेड होने लगी है तो और अच्छे से रेड हो जाए। और ये हमारी गोभी अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। और ये वो पाउडर है धनिया जीरे का, इसे हम डालेंगे, ये देखिए 3 बड़े स्पून पाउडर हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक तो पता ही है आपको, स्वाद अनुसार हम डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च 1 बड़े चम्मच और हल्दी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें हल्दी के कलर की ज़रूरत नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला अब इसमें डालेंगे क्योंकि इसका जो ये ब्लैकिश देखिए ऐसा कलर आता है वही अच्छा लगता है, तो इसमें हम हल्दी नहीं डालेंगे। आप चाहें तो डाल सकते हैं बट मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है सब्जी का। और इसे अभी हम 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि मसाला पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब आप देख सकते हैं हमारी मसालेदार गोभी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है,
ये देखिए पूरा तेल सब्जी ने पूरा अच्छे से छोड़ दिया है, मतलब सब्जी अच्छे से पक चुकी है। और अब स्टेज पे हम कर देंगे, गैस को कर देंगे टर्न ऑफ। और अब इसे गार्निश करने के लिए हम डाल देंगे हरा धनिया। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी मसालेदार गोभी की रेसिपी, प्लीज़ घर पे ट्राई करके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और बस मैंने आज इसी रेसिपी को शेयर करने के लिए फटाफट से आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। आप इस गर्मा गर्म चटपटी रेसिपी का मज़ा लीजिए और अब मैं आपसे मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।